इस वीडियो में ना हम जानेंगे किस तरह से आप जीमेल ऐप से जो है लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई आईडी है जो जीमेल आईडी के अंदर जो है लॉगिन है, तो उसे आप किस तरह से लॉग आउट कर सकते हैं जीमेल ऐप से, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए जान लेते किस तरह से आप जो है लॉग आउट कर सकते हैं। और गाइस, इससे लॉग आउट करने के लिए आपको क्या करना है, गाइस अगर आप अपनी आईडी को जो है जीमेल से लॉग आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जीमेल ऐप के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जिससे आप लॉग आउट कर सकें, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आप जीमेल ऐप में देख लें, मैं देख चुका हूँ कहीं नहीं है। तो इसे आप किस तरह से लॉग आउट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे जाना है अकाउंट सिंक्रोनाइज, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गूगल का, तो आपको गूगल पे क्लिक करना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी आईडी देखेंगे आपको, तो आपको उस आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप लॉग आउट करना चाहते हैं। तो ये है वो आईडी जिसे मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ, ये वाली, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव अकाउंट कर देंगे। रिमूव अकाउंट, ये अकाउंट आपको मतलब ये नेम आपको ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकता है, ये कर देना है, उसके बाद आपकी जो आईडी है लॉग आउट हो जाएगी। तो गाइस चलिए चलते हैं जीमेल ऐप के अंदर। और गाइस पहले ये वाली फ़ोटो थी, अभी आप देख सकते हैं जो वाली पहले जो फ़ोटो थी वो अभी चेंज हो चुकी है, पहले भी आपने देखी होगी थी, यहाँ पे दूसरी फ़ोटो थी और यहाँ पे आप दूसरी फ़ोटो आ चुकी है। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है आप अपने जीमेल ऐप से जो है अपनी आईडी को जो है लॉग आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, कहीं भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है लॉग आउट का। यही एक तरीका है जिससे आप जो है लॉग आउट कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक में आप इजीली लॉग आउट कर देते हैं, वैसा ऑप्शन यहाँ नहीं है, आपको इसी तरीके से लॉग आउट करना होगा।